महागठबंधन में सीटों के ऐलान होने के बाद जो कांग्रेस के जो समर्थक है वो भी नहीं मान रहे हैं, और जो कांग्रेस में है वो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस के जो समर्थक है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर नालंदा के जो कांग्रेस जिंदाबाद, नालंदा कांग्रेस जिंदाबाद तो कहीं पोस्टर है, नालंदा के बिना प्रदेश कांग्रेस अधूरी है इस तरीके का। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि नालंदा किसी और को हमें स्वीकार नहीं, तो प्रदर्शन कर रहे थे, उसको पोस्टर लगा के हम जानते कि क्यों आखिर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताए कि आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम लोग का मेन डिमांड यही है कि हम लोग नालंदा कांग्रेस के से आते हैं, जहां नीतीश जी का गढ़ है उसी गढ़ में हमारा कांग्रेस बहुत मजबूत है। अगर हमको वहां से टिकट दिया जाता है तो निश्चित हम पूरे कार्यकर्ता को मेहनत कर करके उस सीट को जिताएंगे, और 2019 में राहुल गांधी को पीएम बनाने में नालंदा जिला भी भागीदार बनेगा। इसीलिए हम लोग का डिमांड है कि हमको टिकट, हम पार्टी को टिकट नहीं दे करके कांग्रेस को वहाँ टिकट दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता है सीट, अगर वो हमको ही रहता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं देखिए, नहीं रहता तो हमको तो महागठबंधन का जो हमारे सीनियर लीडर, हमारे जो ऊपर के नेता का जो नेतृत्व हमारे ऊपर है, उनका जो हुक्म होगा कि गठबंधन के साथ रहना है तो गठबंधन के साथ रहेंगे। ये हम अपने घर में बैठ करके हम अपने परिवार से, अपने गार्जियन से कुछ डिमांड करने के लिए आए हैं। डिमांड यहाँ पूरा होगा तो भी हम उसके बहुत शुक्रगुजार होंगे, और फिर भी ये कहेंगे कि नहीं महागठबंधन रहेगा, तो जैसे उनकी मर्जी होगी ऐसा कांग्रेस कार्यकर्ता करेगा। आप लोग किस उम्मीदवार को चाहते हैं? कोई आपने जैसे कोई उम्मीदवार चाह रहे होंगे कि नहीं नालंदा से यही व्यक्ति खड़े हो? नहीं समझा। कोई ऐसा उम्मीदवार आप लोग चाह रहे होंगे? नालंदा में है हमारा जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार, जिस काफ़ी मेहनत करता रहा है, यूथ कांग्रेस से मेहनत करता चला रहा है, उसको तो पता भी नहीं हुआ कि हम लोग यहाँ करके हंगामा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं और चाहते हैं कि हमारे नालंदा जिला से दिलीप कुमार को टिकट मिले, ताकि हम लोग उनके साथ जो कदम से कदम मिला करके 5-7 साल से चल रहे हैं, उनको भी हम लोग एक आगे के राजनीति के लिए आगे भी भेज सकें। जो बिल्कुल, तो और जानते कि और क्या है और एक और लोग क्या चाह रहे हैं, तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो आप बताइए आप लोग क्यों हंगामा करें, क्यों प्रदर्शन? हम वो हंगामा नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी बात नेतृत्व के समक्ष रखने के लिए यहाँ आए हैं कि नालंदा कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है, और विगत 4 सालों में कांग्रेस वहाँ मजबूती से कांग्रेस का संगठन खड़ा हुआ है। हम लोग वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश जी के घर में, उन्हीं को घर में मात देने के लिए नालंदा कांग्रेस पूरी तरह से सक्षम है, इसकी पूरी तैयारी है। विगत पटना के गांधी मैदान में भी नालंदा जिला से सर्वाधिक उपस्थिति नालंदा से हुई थी, और जो इसे देखकर जिस नालंदा के तमाम साथी बढ़कर नालंदा सारे लोग उत्साहित थे कि इस बार नालंदा हम लोग कांग्रेस की झोली में नालंदा सीट देने का काम करेंगे और विजयी बनाएंगे, राहुल जी को पीएम बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से गठबंधन का जो खेल चल रहा है और हम पार्टी की वहाँ सीट होने की चर्चाएं चल रही है, तो तमाम साथी काफ़ी आहत हैं, मर्माहत हैं। हम पार्टी का वहाँ कोई संगठन जनाधार नहीं है, वहाँ कांग्रेस के सिंबल से ही नीतीश जी को हम मात दिया जा सकता है। हम नहीं बोल सकते, नालंदा में हम लोग को टिकट चाहिए, दिलीप जी को उनको टिकट मिलेगा तो हम लोग जीत जाएंगे। किनको सपोर्ट करना चाहिए? कोई होंगे, कोई ऐसा उम्मीदवार जिसको आप? उम्मीदवार दिलीप जी खड़ा होंगे। दिलीप जी जी, तो बिल्कुल इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे भी पहले भी औरंगाबाद के जो समर्थक आए थे निखिल कुमार के, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, और अब जो दिलीप कुमार जो चाह रहे हैं कि यहाँ पर वो उम्मीदवार हो नालंदा के लिए, तो इसलिए वहाँ से प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ 4 नेशन के लिए नीरज कुमार, पटना। नालंदा को हक देना होगा, नालंदा को हक देना होगा, नालंदा कांग्रेस जिंदाबाद, नालंदा कांग्रेस जिंदाबाद, नालंदा को हक देना होगा, नालंदा कांग्रेस जिंदाबाद, नालंदा कांग्रेस जिंदाबाद, नालंदा को हक देना होगा, नालंदा को हक देना होगा, नालंदा कांग्रेस जिंदाबाद, नालंदा कांग्रेस जिंदाबाद, नालंदा को हक देना होगा।